दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें बोला गया कि मराठा कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन जो है वो हटाया जाता है। तो उस रिजर्वेशन के आने के बाद में यहाँ पर जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बोला गया मोदी जी को कि अगर हिम्मत है तो ये जो रिजर्वेशन है इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, जैसे आर्टिकल 370 आप लोगों ने हटाया है। यानी कि ये अच्छा तरीका है, अगर सामने वाले इंसान से कोई काम कराना है तो उसको चैलेंज देकर बोलो कि हिम्मत है तो ये करके दिखाओ। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर मोदी जी इस चीज को लेकर हिम्मत दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं और क्या कंडीशन निकल कर आती है। पर लेकिन ये तरीका बड़ा अच्छा लगा, अगर अपना कोई काम इस तरीके से आप लोगों को कराना हो तो। चलिए जो भी है, इस आर्टिकल के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या बातें की जा रही है, और रिजर्वेशन के बारे में हमारे संविधान में कहां पर क्या क्या लिखा हुआ है तो वो सारी बातें मैं आप लोगों को काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एक पूरा डिटेल में आर्टिकल भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बड़ी शानदार बात यार बोली गई है। अगर लाइफ में आप लोग कोई चीज ट्राई करने के लिए बोला गया और आप लोगों ने ट्राई नहीं की और फिर आप लोगों ने हार मान ली तो ये सबसे बड़ी हार होगी, जो आप लोगों ने खुद से हार मान ली किसी चीज को ट्राई किए बिना। वही बात है ना कि यार एक तरीके से अगर कोई काम किया है पूरी जी और जान लगाकर, अगर वो काम हुआ भी नहीं किसी रीजन की वजह से वो काम अटक गया तो कम से कम एक दिल को सुकून रहेगा कि यार कम से कम मैंने ट्राई किया था। पर लेकिन बिना ट्राई किए ही हार मान लेना ये सबसे खतरनाक हार होती है। और इंसान कभी भी अगर इस तरीके से आदत एक बार डेवलप कर ले तो फिर वो कभी भी अपनी जो चीजें हैं उससे उबर नहीं पाएगा, कभी भी लाइफ में कुछ ढंग से अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार रणभूमि में जाकर लड़ो, उसके बाद में हार जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन सबसे पहले हथियार डाल देना बिना लड़ाई किए तो वो काफी खतरनाक बात है। आप लोग हर जगह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर लाइफ में कोई बीमारी हो रखी है तो उसके साथ में लड़ना है तो वहां पर भी आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के पास में काफी कम टाइम बचा हुआ है, आप लोगों ने बोला कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब पेपर से पहले हथियार डाल दिए, तो यहां पर भी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग यही काम करते हैं कि पूरे साल लगे रहेंगे पर पेपर से कुछ टाइम पहले ही उनको लगने लगता है उस लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं है। हर एक इंसान को ऐसा ही लगता है यार, अगर आप लोग किसी टॉपर से पूछेंगे उसने सोचा भी नहीं था कि वो वहां पर टॉप कर रहा होगा, उसने सोचा था कि हाँ लग रहा था कि क्लियर हो जाएगा एग्जाम। तो इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना सीखे। कोई भी चीज हो अगर आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला जाए कि हाँ ये आप लोगों के करियर को एक सही डायरेक्शन देगी और आप लोगों का करियर एक सही डायरेक्शन में स्टेब्लिश करेगी तो उसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, जो कि आप लोगों की जिंदगी में एक अच्छा मुकाम क्रिएट करेगी। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगेंगी और इनको लाइफ में आप लोग जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। पहले हम लोग पूरा एक ओवरव्यू लेंगे न्यूज़पेपर का, इसके बाद में यहाँ पर जो आर्टिकल है एडिटोरियल वो डिस्कस करेंगे और वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो काफी प्यारा और काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देते हैं। अगर आप लोगों ने जो हमारी जो पीआईबी वाली यानी कि नैनो मैगजीन वाली जो वीडियो आती है अगर वो आप लोगों ने देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने डिटेल में ये एक्सप्लेन किया था, रिसेंटली ये न्यूज में था। बात की जा रही है थ्वेट्स ग्लेशियर के बारे में। थ्वेट्स ग्लेशियर को आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसको एक और नाम से पुकारते हैं, तो वो नाम भी आप लोग बताइएगा वीडियो के एंड में, जब आप लोगों को आंसर बताऊंगा तो उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आखिर ये क्यों न्यूज में था। आप लोगों को बताना है कि कहां पर लोकेटेड है, रसिया, स्वीडन, ग्रीनलैंड या फिर अंटार्कटिका। तो देखता हूं आंसर कौन कौन अच्छे से देता है, जो जो आंसर देगा उसको एक तरीके से अपनी पीठ पर शीशे के सामने जाकर थपथपाना भी है हाँ कि आज मैंने सही आंसर दिया है। यार अपने आप को ना अप्रिशिएट करना सीख लो, अगर आप लोगों ने अपने आप को अप्रिशिएट करना एक बार सीख लिया तो सारी चीजें जो भी काम आप लोग कर रहे हैं वो आप लोग इंजॉय से कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद में आप लोग अपने आप को रिवॉर्ड देंगे। जो चीज आप लोगों को सबसे अच्छी लगती है कि हाँ यार ये चीज है जो मुझे अच्छे से मतलब सबसे बेस्ट लगती है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज जैसे खाने में हो गई, कोई आप लोगों को मूवी देखनी है या आप लोग खेलना है तो थोड़े टाइम के लिए आप लोग अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दीजिए। कोई जो टारगेट आप लोगों ने रखा है अगर उसको आप लोग अचीव कर पाते हैं इंप्लीमेंट करके देखिए मजा आएगा। आइए एक और ओवरव्यू लेते हैं अभी यहां पर आज के न्यूज़पेपर का। मराठा जो मराठा जो रिजर्वेशन दिया गया था, जो कोटा दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है कि यहां पर जो हमारी कंट्री में इंदिरा सानी का केस था उस केस में 50% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा है, तो वो सीलिंग जो है इसके द्वारा ब्रेक कर दी गई थी। तो ये क्या क्या कंडीशन है पूरा इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और क्यों इस तरीके से यहां पर ये सिचुएशन सामने निकल कर आ रही है। अगर बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि ओनली सेंटर कैन आइडेंटिफाई जो यहां पर SEBC, ये क्या होती है SEBC, यानी कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है ओनली सेंटर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको रिकमेंड कर सकती है इंक्लूड करने के लिए या फिर एक्सक्लूड करने के लिए, पर लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है।
तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसके द्वारा डिसीजन दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो किसके किस आर्टिकल के तहत क्रिएट की जाती है, किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, इसका भी आप लोग आंसर बताइए। फिर मैं आप लोगों से जब एडिटोरियल डिस्कस करूंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा। इंदिरा सानी केस था हमारी कंट्री में 1992 का, ये सारी बातें मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा जब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो पेशेंस बनाकर रखिए, आज आप लोगों को कई सारे कॉन्सेप्ट जानने को मिलने वाले हैं कि हमारे संविधान में कहां पर रखा गया रिजर्वेशन को, किस किस आर्टिकल में और किस किस एरिया में हम लोग रिजर्वेशन नॉर्मली प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे जी, यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे जी के द्वारा बोला गया, जो मैंने बोला ना कि मोदी जी से बोला गया कि हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, जैसे आर्टिकल 370 के साथ में किया, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको भी इंप्लीमेंट करके दिखाओ। तो ये एक काफी वायरल कमेंट हो रहा था जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में COVID-19 के केस बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि थर्ड वेव जो है हमारी कंट्री में वो आएगी ही आएगी। रीजन क्या है, आखिर सेकेंड वेव क्यों आई थी, जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एडिटोरियल तो मैंने बताया था कि पहली बार जब हम लोगों ने केस को चेक नहीं किया ढंग से कि हाँ ये इन्फेक्टेड केस है, हम लोगों ने उनको चेक नहीं किया, हम लोगों ने टेस्टिंग काफी कम की, इसी के साथ में हम लोगों ने जो रूल और रेगुलेशन है वो काफी ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, यानी कि कोई भी कहीं भी आ जा रहा है, लोग मास्क ही नहीं लगा रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोरोना आ भी गया क्या। तो वो कहीं ना कहीं जो गलतियां की गई उसने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया और लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि टेस्ट कोई करा नहीं रहा था, नॉर्मल बुखार आ रहा है, वो चीजें हो रही है। तो जब यहां पर लोगों की जान जाने लगी तब समझ में आया कि यार ये तो और खतरनाक चीजें क्रिएट यहां पर हो गई है। तो सबसे बड़ी रीजन क्या रहा है यहां पर, उस लेवल की टेस्टिंग न करना। अगर टेस्टिंग हो जाती तो पता चल जाता कि इन लोगों को यहां पर कोरोना है और उनको कहीं ना कोई इलाज देकर उसका सोल्यूशन निकाल सकते थे, पर लेकिन जब टेस्ट नहीं की तो पता चला एक घर में कोई पर्टिकुलर पर्सन बीमार है और उस बीमार पर्सन की वजह से पूरे परिवार में कोरोना फैल गया, और ऐसे हजारों लाखों केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये इग्नोरेंस जो यहां पर देखने को मिला उसकी वजह से एक कंडीशन निकल कर आ गई है, पर लेकिन अभी भी उस लेवल पर हम लोग यहां पर आज की डेट में टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है, जिससे लग रहा है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर एरिया में। यानी कि अब देखने वाली बात यह है कि क्या हम लोग रियलिटी में थर्ड वेव जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, अगर हाँ तो देखते हैं कैसे, अगर ना तो फिर एक और जंग के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरीके से सब आगे निकल कर आ रहे हैं तो हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्लान है उसको आगे लेकर आया गया है, ताकि COVID-19 से रिलेटेड जो बीमारी हमारे देश में देखने को मिल रही है उसको टैकल किया जा सके। तो अभी मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए, यानी कि जनता तक पैसे को पहुंचाने के लिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर निकाल कर लाए जा रहे हैं आगे आने वाले 3 साल के लिए, ताकि जो हेल्थ केयर सर्विस है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो इसके चलते लोगों के हाथ में पैसा होगा, चीजें पहुंचेंगी, हेल्थ केयर सर्विस को हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे, तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर जो हेल्थ सेक्टर के लिए एक तरीके से ऐड दे रहा है, जो खासकर स्मॉल बोरोवर हैं, जो कम लेवल पर पैसा उधार करते हैं, आज के डेट में बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं किसी न किसी रीजन की वजह से, तो उसमें एक हेल्प प्रोवाइड करा पाएंगे यहां पर ये। तो एक अच्छा कदम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अगर रेलवे के नेटवर्क के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा लार्ज स्केल का नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलता है, और अभी यहां पर हम लोग जो रेलवे के जो बेसिकली डब्बे हैं उनको यूज कर रहे हैं COVID-19 के लिए, वार्ड बना रखे हैं खासकर जो कोचेज हैं, तो उसी में यहाँ पर जो वर्कर हैं वो क्लीनिंग कर रहे हैं। तो एक अच्छा तरीका है इस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, वो भी एक ऐसी कंडीशन में जब देश के अंदर यहाँ पर आज के में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि अलग से बेड तैयार करना वो सारी चीजें, तो क्यों ना ट्रेन के जो कोचेज हैं उन्हीं के अंदर हम लोग ऐसा माहौल प्रोवाइड करा दें। तो ये एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने का। तो अगर रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के बारे में आप लोग कुछ लिखना है, हेल्थ केयर सर्विस में अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो कैसे उसको टैकल करने में कोई सजेशन अगर आप लोग को देना है तो ये पॉइंट भी आप लोग वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बात करें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑक्सीजन सप्लाई की बात की जा रही थी यहां पर दिल्ली को, तो देखिए दिल्ली को ऑक्सीजन जो सप्लाई जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, वो तो सबको पता है, उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जा रही है। तो जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट की यहां पर बात की जा रही थी, पर लेकिन अभी यहां पर उस पर ऑर्डर पर रोक लगा दी गई है, ठीक है, बेंच के द्वारा उसको अभी रोकने की बात की जा रही है। पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर ये है कि रिमूव कर दीजिए जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं उसके ऊपर आप लोग जीएसटी को। ये क्या मतलब इसका, इसका मतलब यहां पर ये कि आज के डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं वो यूज किए जा रहे हैं, अगर आप लोग घर पर ही हैं, अगर आप लोगों के पास में वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की दिक्कत अगर देखने को मिल रही है
तो उसके ऊपर 28% जीएसटी लग रहा था अब तक का, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट थी वो 40,000 से लेके वो 90,000 तक देखने को मिल रही थी। तो अभी ये बोला गया कि यार कुछ टाइम के लिए आप लोग इनको हटा दो दीजिए, मतलब कुछ टाइम के लिए जीएसटी जो लग रही है इसको जीरो कर दीजिए, कम से कम जिन लोगों की जान जा रही है अगर उसको बचाया जा सके इस पर्टिकुलर मुद्दे की वजह से। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है कि हमारे एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है, अगर आप लोगों से मैं एनवायरमेंट के बारे में बात करूं तो लगभग आप लोगों को 78% हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन देखने को मिलेगी और 21% यहां पर ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। तो इस 21% में से एनवायरमेंट में से ये ऑक्सीजन लेता है जो कि लगभग प्योर ऑक्सीजन होती है यहां पर 92-95% उसके अंदर में। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको, खासकर जिसको ये दिक्कत देखने को मिल रही है ऑक्सीजन की कमी से, उनकी जान बचाई जा सकती है, एक ऑल्टरनेटिव है यहां पर ये। तो ये यहां पर बोला गया कि ये जीएसटी जो है अब ये हटा दीजिए बिल्कुल, कम से कम जब तक की सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाती है, ताकि अगर घर पर ही कोई आइसोलेशन में है, हॉस्पिटल में तो जगह मिल नहीं रही है, तो कम से कम उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड कराई जा सके। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग संविधान का एंगल भी यहां पर थोड़ा जोड़ना चाहते हैं तो हमारे संविधान में पार्ट थर्ड के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो ये जो कोर्ट में पहुंचे ये भी बात बोल रहे हैं कि आर्टिकल 21 हमारी राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है और ऑक्सीजन के चलते ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो उससे रिलेटेड कोई अगर ऐसी डिवाइस है जो कि काफी ह्यूज पे करना पड़ रहा है, तो जिनके पास से पैसा है वो तो पे कर पा रहे हैं, पर लेकिन जिनके पास से पैसा नहीं है उनका क्या करोगे भाई, उनके बारे में भी आप लोग कुछ बता दीजिए। तो इसीलिए आर्टिकल 21 के तहत बोला है कि आप लोग जीएसटी जो है यहां पर इसको कम कीजिए, कम क्या बिल्कुल हटा दीजिए जब तक ये सिचुएशन हमारी कंट्री में प्रिवेल कर रही है, ताकि कोविड-19 के साथ में टैकल किया जा सके। तो ये इस तरीके से यहां पर ये आर्टिकल है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अच्छी बात क्या है, आप लोग अलग से ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो एनवायरमेंट में से ही ऑक्सीजन लेकर ही अपना काम चला ले रहा है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं, कल ममता बनर्जी जो है वो यहां पर चीफ मिनिस्टर बन गई। तो कई सारे बच्चे जो है वो रेगुलर मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गई अपनी जो पोस्ट है उससे हारने के बाद भी, यानी कि अपनी जो जिस सीट से वो इलेक्शन लड़ रही थी उससे हार गई है वे, उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर कैसे बन गई। तो डिटेल में आप लोगों को यहां पर बताया कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन एंगल हो सकते हैं और अब आगे ये क्या कंडीशन बन सकती है, आगे यहां पर ये चीफ मिनिस्टर रहेंगी या फिर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हट भी सकती हैं, तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया आप लोगों, पॉलिटिका एक लेक्चर बन गया एक तरीके से आप लोगों का, जो कि मैंने आप लोगों को जो पॉलिटिकल लेक्चर उसमें पढ़ाई भी थी सारी चीजें, ठीक है। तो जिस किसी बच्चे को नहीं पता है, फर्स्ट टाइम यहां पर लेक्चर देख रहे हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों को पॉलिटिकल के सारे लेक्चर कंप्लीट कराए जा चुके हैं, लगभग 180 से ज्यादा लेक्चर हैं। तो लक्ष्मीकांत कंप्लीट किताब है, जाकर आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग को डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर। तो ये जो लेक्चर है अगर आप लोगों को लगता है पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मत देखिएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर नहीं पता है कि क्या कंडीशन बनती है, कैसे चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है हारने के बाद भी, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलिटी में एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। आगे बात करते हैं, 13 कोविड-19 के जो पेशेंट है उनकी जान चली गई तमिलनाडु के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से। तो ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया में आप लोगों को हर जगह इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। तो अभी यहां पर ये गुहार भी इनके द्वारा लगाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करा दो। पर लेकिन अभी आप लोगों को अगर एक बात बताई जाए, देखिए अभी हम लोग यहां पर जो नॉर्मल चीजों के बारे में बात करें, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ पा रही है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं आ पा रहे हैं, पर लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं वो ये है कि हमारी कंट्री में जो डॉक्टर की कमी है वो काफी लार्ज स्केल पर है। बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां पर हम लोग को डॉक्टर मिल जा रहे हैं, हमारी कंट्री में जो डॉक्टर का रेशियो होना चाहिए जनता के हिसाब से वो अप टू द मार्क नहीं है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर बात करें तो, जो कि काफी गलत है। उसके हिसाब से कुछ काम होना चाहिए ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके। तो ये इस तरीके से, वरना ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। ये देख सकते हैं यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन है यहां पर, ये जीटीबी यानी कि गुरु तेग बहादुर जो हॉस्पिटल है यहां पर, इस हॉस्पिटल के बाहर यहां पर एक पर्सन जो है वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी लिए हुए बैठा हुआ है और वो रो रहा है, यहां पर कराह रहा है, बोल रहा है कि मैं घर कैसे जाऊं, अपने बच्चों को क्या बोलूंगा कि उनकी मां को मैं कहां छोड़ाया जब यहां पर इसकी वाइफ की जो है वो डेथ हो गई। और ये जो केस है, ऐसी कंडीशन आप लोगों को बहुत जगह देखने को मिलेगी। और यार जब आप लोग हॉस्पिटल में आज के डेट में जाकर देखोगे ना, त्राही माम मचा हुआ है बहुत सारे हॉस्पिटल में। तो इससे अच्छा है कि प्रिवेंशन कर लीजिए, बेटर देन क्योर है, यानी कि अपना ध्यान रखिए थोड़ा सा, वरना बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है कई सारी जगह। तो इग्नोर नहीं करना है इस तरीके की जो कंडीशन है, अगर आज के डेट में देखिए अपना ध्यान रखिए, वरना यार बहुत सारे घर उजड़ गए हैं आज के डेट में। कई सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं यार, क्या बोलूं आप लोगों, कि जिनके माँ बाप दोनों नहीं रहे, अब सोचिए उनकी क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पर। तो समझिए कि सिचुएशन जो है वो काफी ग्रेव है, तो ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देकर इन चीजों के बारे में चलना पड़ेगा। एक वुमेन जो है उसकी भी जान चली गई तिहाड़ जेल में कोविड-19 के चलते। आप लोगों के लिए यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है,
देखिए आज के डेट में अगर जेल में बात करें तो हमारी कंट्री में जेल की हालत काफी ज्यादा खस्ता है। तो वहां पर कई सारे ऐसे हैं जो कि जेल के अंदर में बहुत सारे लोग बहुत कंजेस्टेड तरीके से रहते हैं। तो क्या इस टाइम पर हम लोगों को खासकर उन कैदी के जो कि अंडर ट्रायल है उनको छोड़ देना चाहिए या फिर उनके लिए कोई अलग से अरेंजमेंट करना चाहिए? क्योंकि अगर जेलों के अंदर जो दुनिया भर के कैदी भरे पड़े हैं अगर वहां पर भी कोविड-19 के केसेस लार्ज स्केल पर पहुंच जाते हैं तो फिर कैसे आप लोग इनको कंट्रोल कर पाओगे? तो ये भी एक मुद्दा है सोचने और लिखने का। अगर आप लोगों यहां पर आता है खासकर कोविड-19 को लेकर तो आप लोग इस मुद्दे के बारे में भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि यहां पर भी काफी ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिला। पर लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है क्योंकि कई सारे केस हैं जो कि अंडर ट्रायल चल रहे हैं तो वहां पर क्रिमिनल जो केस उनके ऊपर चल रहे हैं। अब हो सकता है कि आगे चलकर क्रिमिनल टेंडेंसी का कोई इंसान है जेल से बाहर निकल कर आया और उसने वो उसको फर्क नहीं पड़ता है वो जेल आता जाता रहता है तो आकर हो सकता है कि कोई और क्राइम करे तो उसको भी कैसे रोकना है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई नई प्रॉब्लम सामने निकल कर आ रही है जो किसी के द्वारा सोची भी नहीं गई थी। तो ये भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर बात करें प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है ई व्हीकल, यानी कि जो भी पेशेंट है उनको ई व्हीकल प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर राउंड द क्लॉक। तो ये बात बोली गई है दिल्ली की कैबिनेट, दिल्ली के जो दिल्ली के अंदर जो बेसिकली ये वेट बोल बोली गई है जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा कि यहां पर जो आज के डेट में जो ये सर्विस नहीं मिल पा रही है ताकि सर्विस मिल सके। तो इसका जो एक ऐप भी देखने को मिला है जिसका नाम रखा गया है जीवन सेवा ऐप। तो ये क्रिएट किया गया जीवन सेवा ऐप जो है यहां पर यह प्रकृति ई मोबिलिटी और ये अवेलेबल रहेगा बोथ गूगल प्ले स्टोर और जो भी यहां पर आप लोग आईओएस सिस्टम है एप्पल स्टोर पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर दिल्ली में आप लोग हैं। क्योंकि कई सारे जो लोग हैं उनको ये फैसिलिटी भी नहीं मिल पा रही है कि वो अपना जो व्हीकल वगैरह है वो यूज कर सके जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। कई बार कई सारी दिक्कतें सामने निकल कर आ रही है तो सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा पूछा गया सीबीएसई से कि जो भी क्लास 10th का जो रिजल्ट है उसको जो प्रेजेंट करने की बात की जा रही है वो किस तरीके सिचुएशन को आगे लेकर चल जाएगा क्योंकि जो टीचर्स हैं वो काफी लार्ज स्केल पर इन्वॉल्व हैं कोविड-19 की ड्यूटीज में। देखिए टीचर ना काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं हर सोसाइटी में। अगर आज के डेट में आप लोग देखिए इलेक्शन का मुद्दा है कौन याद आएगा? टीचर याद आएगा। इसी के साथ में अगर कंट्री के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा जब सेंसस जब जनगणना की जाती है तो वहां पर आप लोगों को टीचर देखने को मिलेगा। अभी यहां पर कोविड-19 की ड्यूटी में टीचर है, पढ़ाने का काम टीचर का है, कॉपी चेक करने का काम टीचर का है, स्कूल में सारी चीजें जो देखी जाती है वो टीचर के अंडर में रहती है। यानी कि टीचर को बिल्कुल इस तरीके देखा जाता है ब्रह्मा, यानी कि कई सारे हाथ हैं टीचर के और वो हर जगह अपने काम करता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन जिस तरीके से टीचर की कंडीशन अपनी कंट्री में देखते हैं वो काफी दयनीय देखने को मिलती है। आज की डेट में अगर बात करें कई सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर टीचर को शानदार तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है पर हमारी कंट्री में टीचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको नॉर्मली जो लोग है एक एस्पायरेशन से नहीं, जैसे कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, और मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे आईएएस बनना है, इस तरीके से बहुत कम मतलब ना के बराबर लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो खुल के बोलते हैं दिल से कि मुझे टीचर बनना है। तो ये सिचुएशन भी आप लोगों को देश में देखने को मिलेगी। तो ये टीचर से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो कई बार सामने निकल कर आती है जब भी कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि टीचर से क्या क्या काम कराते हैं और फिर बोलते हो कि टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है खासकर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो ये भी एक मुद्दा होता है जो कि कई बार न्यूज में रहता है। दिल्ली में कल जो है ये 20,960 केस आए और 311 लोगों की जान चली गई। तो इसी के चलते सिचुएशन जो है वो ग्रेव देखने को मिल रही है और दिल्ली को जो रिक्वायरमेंट है वो है 555 जो बेसिकली मीट्रिक टन ऑक्सीजन की वो सॉरी मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंच रही है वहां पर जबकि जो डिमांड है वहां पर वो है 976 मीट्रिक टन की, यानी कि जितनी डिमांड है लगभग उसके मोटे मोटे तौर पर आधे के करीब ऑक्सीजन यहां पर इनको मिल पा रही है। तो खुद ही सोचिए कैसे ये पूर्ति यहां पर हो पाएगी। इन सब बुरी खबरों के बीच में दो कुछ अच्छी खबर यहां पर देखने को मिली कि गुरुग्राम वाले एरिया में और खासकर अगर जो जो दिल्ली वाले एरिया में कुछ ऐसे एरिया थे जहां पर डेड बॉडी को जलाया जा रहा था तो वहां पर फिलहाल जो है अभी जो डेड बॉडी है वो काफी कम हो गई है पहले के कंपेयर में जो लगातार काफी लार्ज स्केल पर आ रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं कि सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक अगर ठीक ठाक हो रही है तो हम लोग को उसको और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए। तेलंगाना के अंदर भी काफी लो टेस्टिंग यहां पर देखने को मिल रही है, ये भी कंडीशन है। देखिए क्या करते होते हैं कई बार अगर ये दिखाना है कि राज्य के अंदर अगर केस ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो टेस्टिंग को लो कर देते हैं तो इससे क्या लगता है केस कम आएंगे, तो केस कम आएंगे तो फिर यहां पर ये बोला जा सकता है कि हमारे एरिया में तो काफी कम केस है। पर लेकिन ये सही तरीका नहीं है तो इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा क्योंकि उसी की वजह से सेकंड वेव देखने को मिल रही है। टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं कोरोना, ये नहीं बोल रहे कि तुम टेस्ट नहीं करोगे तो मैं भाग जाऊंगा, ठीक है वो तो लगा रहेगा। कोरोना ये नहीं बोल रहा है कि तुम टेस्ट नहीं करोगे तो मैं लोगों की जान नहीं लूंगा, वो तो लेकर जाएगा ही जाएगा। तो अगर इस तरीके से इग्नोर किया जाता है, लो टेस्टिंग की जाती है ये दिखाने के लिए कि इज्जत बेइज्जती वाली बात हो रही है तो ये अपने ही पैरों में कुल्हाड़े मारने वाली बात है, ये जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने वाली बात है। क्योंकि अगर सेकंड वेव कंट्रोल नहीं कर पाए तो थर्ड वेव इससे भी ज्यादा ताकतवर होने वाली है क्योंकि उस टाइम पर ह्यूज केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो यहां पर ये सारा सिस्टम सामने निकल कर आ रहा है इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा।
बात की जा रही है कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बात की जा रही है, अकेले कानपुर के अंदर 112 लोगों की जान चलेगी। नॉर्मली कई जगह ऐसा है कि केसेस के जो है वो अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है, न्यूज़पेपर वाले ऑफिशियल डेटा बता दे रहे तो समझ में आ रहा है, पर लेकिन एग्जैक्ट ग्राउंड लेवल पर जो डेटा सामने निकल कर आता है वो जो ऑफिशियल डेटा है उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि कंडीशन क्या है। अब आप लोग ये सोचिए, यहां पर आप लोग खुद ही देखिए, यहां पर यूपी में कानपुर के अंदर 112 लोगों की जान चलेगी, ठीक है, और पूरे यूपी के अंदर ओनली 357 लोगों की जान गई है। समझिए आप लोग डिफरेंस, ठीक है, तो यहां से समझ में आता है कि डेटा जो है वो कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और मैंने आप लोगों से एडिटोरियल डिस्कस भी किया था कि ऑफिशियल डेटा है, कई बार उसको काउंट नहीं कर पाते, उसका रीजन भी रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी गांव में दूर दराज में कहीं डेथ हो गई, ठीक है, तो कौन जाकर बता रहा है गवर्नमेंट को कि वहां पर डेथ हो गई है। अब कई बार जो है परिवार वाले भी जानबूझकर उस तरीके से चीजों को रिवील नहीं करें, क्योंकि उनको यह लगता है कि पता चला और कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाए तो जल्दी से जल्दी जो डेड बॉडी है दफनाने वाली है तो दफना दे रहे हैं, और जलाने के लिए है तो उसको जला दे रहे हैं। तो इसकी वजह से भी जो काउंटिंग है वो काफी कम यहां पर देखने को मिल रही है, तो कंडीशन जो है उससे ज्यादा ग्रेव है। इसीलिए आप लोग अपना ध्यान रखें ताकि सिचुएशन को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। आगे अगर बात करें यहां पर जो वर्कर्स की इनकम है कोविड-19 के चलते, ये माना जा रहा है कि लगभग 17% तक यहां पर कम हो गई है, यानी कि आज की डेट में जो सिचुएशन चल रही है उसके चलते काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर इनकम कम होगी तो और क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इनकम अगर कम होती है तो लोग जो है वो प्रॉपर वे की जो डाइट लेते थे वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है, उनको अपनी जो प्रॉपर्टी वगैरह वो बेचनी पड़ जाएगी, लोगों से उधार लेना पड़ जाएगा, और उधारी लेकर फिर उसके सामने कर्ज में दबेंगे, तो इसके चलते फैमिली के अंदर डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। एजुकेशन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है, किसी यहां पर अगर बच्चा कोई एजुकेशन लेना चाह रहा है तो ये कई सारे इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो ये रिपोर्ट है इसका नाम रखा गया है स्टेट ऑफ वर्किंग इन इंडिया 2021। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ वर्किंग इन इंडिया 2021 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो अजीम प्रेमजी जो यूनिवर्सिटी है सेंटर फॉर सस्टेनेबल और इम्प्लॉयमेंट जो है बेंगलुरु के अंदर, उसके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है। तो 17% इसके द्वारा बोला गया कि लोगों की इनकम कम हो गई है, ये एक एवरेज होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी 50% कम हो गई है, कुछ कुछ ऐसे होंगे जिनकी 10% कम हुई है, तो ये एक एवरेज निकालकर आप लोगों के सामने रखा जाता है। अभी आप लोगों को देखने को मिला नेक्स्ट न्यूज में, यहां पर चाइना को हम लोगों ने अपनी कंट्री में 5G का जो एक्सपेरिमेंट करने से बाहर निकाल के फेंक दिया, तो चाइना ने कंसर्न दिखाया कि यार हम लोगों को बाहर क्यों निकाल दिया, अरे तुम्हारी वजह से पूरे देश में ऐसी तैसी हो रखी है, कोरोना फैल गया और पूरा बॉर्डर पर दंगा मचा रखा है आप लोगों ने, उसके बाद में बोल रहे हैं कि निकाल के फेंक दिया। चाइना वाले ये बोलते हैं कि हम लोग जो बॉर्डर पे करते हैं ना वो चलता रहने दो, ठीक है, हम जो उल्टी सीधी हरकतें जहां जहां पर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जाकर या फिर चाइना या फिर श्रीलंका के अंदर जाकर नेपाल के अंदर जाकर वो सब चलने दो, वो हमारा नेचर है, पर लेकिन अपना व्यापार कंटिन्यू रखो यार, अपना हमसे जो खरीद रहे हो खरीदते रहो, आप लोग हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते रहो, यानी कि ये मतलब हम बेवकूफ हैं, यानी कि ठीक है ना, वही बात होगी। आप लोगों ने बिस्लरी का एड सुना होगा, उसमें रहता ना कि जो ऊंट जो होता है उसको जो पानी की बोतल पिलाई जाती है तो उसको वो नॉर्मल पानी की बोतल पिला देता है, बिस्लरी नहीं पिलाता है, तो ऊंट बोलता है कि हम लोग गधे नहीं है ऊंट है, ठीक है, तो वही बात हो गई कि यहां पर मतलब तुम्हारे साथ में व्यापार करते रहे, तुम्हारा फायदा पहुंचाते रहे, और ऊपर से हम लोग अगर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं तो तुमको कंसर्न हो जाता है कि ये क्या कर दिया। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साहब के द्वारा एक अच्छी बात यही बोली गई है, जो अच्छी बात लगी मुझे पर्सनली, यार अगर तुम शांति बनाकर नहीं रख सकते हो बॉर्डर पर तो क्यों हम तुम्हारे साथ में व्यापार करें, हमारे पास में और भी ऑप्शन है, हम उनके साथ में व्यापार करेंगे, तुम जैसे लोगों के साथ में व्यापार करके क्या करना है। तो ये समझना पड़ेगा चाइना को भी एक हद तक ही सामने वाले की बदतमीजी सही जा सकती है, उसके बाद में नहीं। तो वही बातें यहां पर बोलने की कोशिश की गई यहां पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब के द्वारा, जब ग्लोबल डायलॉग सीरीज के एक इवेंट में लंदन के अंदर इनके द्वारा यहां पर ये बातें सामने रखी गई, तो उसमें बोला गया कि ये रियलिस्टिक नहीं है कि आप लोग बम्बार्डमेंट करते रहो बॉर्डर पर और हम आपके साथ में यहां पर मिलकर आराम से काम करते रहे, कि वो बॉर्डर इश्यूज को अलग से देखेंगे, ये इकोनॉमिक इश्यूज को अलग से देख लेते हैं। तो यार ये सारी चीजें नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक हद तक ही पॉसिबल हो पाती है। आप लोग अगर बिल्कुल ही लक्ष्मण रेखा पार कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, आप लोग ही क्या राय है इसमें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं राइट या फिर रॉन्ग, आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे। आगे बात करते हैं यहां पर, बात की जा रही श्रीलंका में, यहां पर हमारे लगभग 86 यानी कि 86 फिशरमैन पकड़ लिए गए थे क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर वहां पर पहुंच गए थे, तो अभी उनको रिटर्न कर दिया गया है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहां पर डर गए हो श्रीलंका वाले कि पता नहीं कोविड-19 के केस हो उसकी वजह से रिटर्न कर दिया गया, पर लेकिन अच्छी बात है अपने घर आएंगे अपने देश में रहेंगे तो ये एक अच्छी बात है, वरना नॉर्मली इतनी जल्दी डिसीजन आते हुए नजर नहीं आते हैं। एक और छोटी सी रिपोर्ट यहां पर बोला जा रहा है कि जो लाफी जो यहां पर ये जो रिपोर्ट चल रही है द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा ही पब्लिश की जा रही है जिसको लोक नीति बोला जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि जो 8 फेज में यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन चले तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, जो कि यहां पर बोला जा रहा था कि बीजेपी को काफी फायदा होने वाला है इससे,
तो कोई लगा नहीं इससे कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। पर लेकिन COVID-19 के केसेस जो बढ़ेंगे उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो जरूर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो बड़ी प्रॉब्लम है। फेसबुक के ऊपर कुछ यहां पर बैन लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा, और उनको कुछ टाइम दिया गया था 6 महीने का कि उसको रिव्यू किया जाए कैसे कैसे ये चीजें हैं, आर्बिट्रेरी पेनल्टी जो इम्पोज की गई थी, तो यहां पर फेसबुक बोर्ड के द्वारा उनको अपहोल्ड कर दिया गया है। यानी कि ये जो पेनल्टी लगाई गई थी वो कंटिन्यू यहां पर रहने वाली है। जो भी हरकतें यहां पर उस फेसबुक के द्वारा की जा रही थी, फेसबुक कई बार जो है कई सारी उल्टी सीधी छेड़खानी करता है डेटा के साथ में। आप लोगों को पता है भी व्हाट्सएप के लिए क्या क्या कंडीशन देखने को मिली कि हाँ व्हाट्सएप का डेटा हम लोग यूज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मतलब इंडिया से बड़ा प्यार है उसको, मतलब इंडिया में वो सारी हरकतें करता है, यूरोपियन यूनियन में नहीं करता है, यूएसए के अंदर नहीं करता है, उसको पता है कि रूल और रेगुलेशन ज्यादा ही नहीं है, लूप होल है तो लूप होल का यूज कर लो। पर लेकिन अभी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अच्छे स्टेप उठाए गए इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में ये हरकतें हमारे देश में देखने को न मिले। तो चलिए जो भी है आगे बात की जा रही है, जो बाइडेन जो है ये 46 प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनके द्वारा बोला गया कि 10% के करीब जो दवाइयां हैं वो सेंड की जाएगी दूसरी कंट्रीज को जिनको हेल्प करने की बात की गई है, तो इनमें इंडिया भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कितने डोजेस वहां पर ये प्रोवाइड कराते हैं और क्या क्या हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, तो वो तो आगे देखने को मिलेगा कथनी और करनी में क्या डिफरेंस है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी चाइना के साथ में जो डिपेंडेंसी है उसको कट करने की बात की जा रही है। आप लोगों को याद होगा मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था आप लोगों से, इसमें यह बोला गया था जब कि हाँ आज के डेट में इंडिया, ठीक है, जिसके साथ में जापान और ऑस्ट्रेलिया ये मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम की जा सके, क्योंकि चाइना की जैसी हरकतें देखने को मिल रही हैं आज के डेट में, ये जरूरी है कि उसके ऊपर अगर डिपेंडेंसी कम रहेगी तो अपना अपना एरिया हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, अपने एरिया में हम लोग जो रॉ मटेरियल है वो क्रिएट कर पाएंगे। बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसको आप लोग दवाई बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अगर वो चाइना से हम लोग सप्लाई करना बंद कर दें तो हमारी कंट्री में जो आज के डेट में बेसिक दवाइयां प्रोवाइड करा रहे हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये डिपेंडेंसी होगी। तो इसके चलते जो फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर उनको हम अपनी ही कंट्री में क्रिएट करना स्टार्ट कर दें या फिर अल्टरनेटिव ढूंढ ले चाइना की जगह किसी और को, तो वो काफी ज्यादा जरूरी रहेगा इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो वही बातें यहां पर बोली गई है। ईरान जो है यहां पर अभी 20 ईयर सेंटेंस दिया गया यहां पर जो डिप्लोमेट्स हैं, तो यहां पर जिसके चलते बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस था ये, तो कुछ पुरानी चीजें हैं 2018 के अटैक के बारे में बात की जा रही है। चलिए जो भी है इसको छोड़िए। म्यांमार के अंदर जो है यहां पर अभी जो बात की जा रही है सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आसियान की अभी मीटिंग भी आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है, तो वो कंडीशन थी जो कई सारे जो लीडर हैं उनको जेल में डाल रखा है, तो वो सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो नॉर्मल माहौल करने की बात की जाती है बार बार आउटसाइड वर्ल्ड के द्वारा भी, पर लेकिन आर्मी जो है मिलिट्री जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो ये काफी ग्रेव कंडीशन अभी फिलहाल यहां पर इसके अंदर म्यांमार के अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के सामने है यहाँ पर अब ये एडिटोरियल। देखिए आप लोगों के जो एडिटोरियल है कुछ दिनों से अभी कम आ रहे हैं, तो यहाँ पर रीजन क्या है उसका, रीजन ये कि अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिले, तो इलेक्शन के चलते सिचुएशन ये सामने निकल कर आ रही है कि जो ये साइड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, यानी कि जो ये साइड वाला राइट साइड वाला जो पोर्शन है न्यूज़पेपर का, उसमें मैक्सिमम ये न्यूज़ का इलेक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं कि कहां पर क्या कंडीशन देखने को मिल रही है क्या है, तो इसलिए एडिटोरियल कम रहते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया, मैंने बोला ना कि आप लोग जैसे कि लेक्चर को मार्क्स दिया करो कि 10 में से कितने मार्क्स आप लोग दे रहे हैं, तो उसके द्वारा बोला गया सर कम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हो, तो कम एडिटोरियल नहीं है, एडिटोरियल कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो कम डिस्कस हो रहे हैं। जितने एडिटोरियल होंगे उतने ही डिस्कस किए जाएंगे ना, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एडिटोरियल है ये जो आ रहे हैं, ठीक है, इनमें कोई कटौती की जा रही है, ठीक है, वो तो मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, इवन और ज्यादा बैकग्राउंड डाल दे रहा हूं जब मुझे लगता है कि कम एडिटोरियल आ रखे, तो मैं दुनिया भर की बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आज के लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूंगा, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर एडिटोरियल जैसे आ रखा है, ठीक है, तो फिर स्टैटिक पोर्शन उतना ही ज्यादा ऐड कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का लेक्चर जो है वो एक आप लोगों को सुनने के बाद में लगे कि काफी कुछ यार नया सीख लिया है। तो वो मेरा बेसिकली माइंडसेट रहता है कि जब यहां पर एडिटोरियल जो कम होते हैं तो फिर स्टैटिक पढ़ा दूं, कम से कम कुछ तो और एक्स्ट्रा जानने को मिल जाए, तो उस तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे चीजों को लेकर चलना है, आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु के अंदर पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो इसके नीचे वाला जो आर्टिकल है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा COVID-19 के इन्फेक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। पर लेकिन अगर बात करें इन दो आर्टिकल के बारे में, ये काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, महाराष्ट्र के रिजर्वेशन के बारे में है और ये IPL के बारे में है, तो इनमें से कोई सा भी आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों को बोला था ना मैंने कोई ना कोई एक आर्टिकल जरूर पढ़ लिया कीजिए, ताकि अगर सीसेट वगैरह में जो इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। और ये नहीं कि इसी न्यूज़पेपर का पढ़ना है, आप लोगों को लगता है किसी और न्यूज़पेपर का कोई और आर्टिकल पढ़ना है तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। यानी कि आप लोगों को बेसिकली चीजें पढ़ते रहना चाहिए ताकि ये प्रैक्टिस भी आप लोगों की होती रहे। तो काफी डिटेल में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, पहले एक छोटा सा आर्टिकल है जिसको हम लोग निपटा लेते हैं।
ये बात करें आईपीएल के बारे में, तो क्या क्या कंडीशन यहां पर बन सकती है और कोविड-19 की क्या क्या कंडीशन है। तो अभी कुछ दिन पहले अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने यहां पर ये कार्टून डिस्कस किया था, यानी कि आईपीएल जो है वो बंद कर दिया गया। रीजन ये था कि बायो बबल जो है वो यहां पर काम नहीं कर पाया और बहुत सारे लोग जो है वो कोविड-19 की वजह से इन्फेक्टेड हो गए, यानी कि बहुत सारी टीम के प्लेयर जो हैं वो कोविड-19 की वजह से इन्फेक्ट हो गए, तो जो एक बायो बबल बनाया गया था वो काम नहीं कर पाया। तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया था कि सर ये बायो बबल क्या है, तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में आज, ठीक है। तो ये मौका है बायो बबल समझने का। बायो बबल क्या है बेसिकली? बायो बबल एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि कोविड-19 को आउट रखा जा सके गेम से, और वो जो गेम है वहां पर किसी का भी कॉन्टेक्ट न रहे। तो पूरे स्टेडियम को इस तरीके से रखा जाता है और पर्टिकुलर प्लेयर को इस तरीके से रखा जाता है ताकि कोविड-19 जो है वो उन तक न पहुंच पाए। समझते हैं कैसे कैसे बायो बबल जो है यहां पर एक तरीके का इनविजिबल शील्ड है यहां पर, जिसकी तरीके से यहां पर जो स्पोर्ट जो इवेंट जो देखने को मिल रहा है उसको कोविड-19 से दूर रखा जा सके। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो एक सेफ एनवायरमेंट बनाने की कोशिश की जाती है, जो भी यहां पर लोग जो हैं अगर जो इस पर्टिकुलर गेम में, चाहे वो आईपीएल है चाहे फिर दूसरा गेम है, उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करें तो वही पर्सन रहेंगे जो नेगेटिव टेस्ट पाए गए हैं, तो ताकि ट्रांसमिशन का जो रिस्क है वो न बढ़े। ये पहले यहां पर यूज किया गया, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इंडिया का टूर हुआ ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल के लिए, यूएस ओपन के लिए, तो अलग अलग एरिया में इसको कई बार अभी यूज किया जा चुका है। तो ये यहां पर बेसिकली बायो सिक्योर एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि कोविड-19 यहां तक न पहुंच सके। और वो कैसे कैसे किया जाता है आप लोग समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आज के डेट में आप लोग अपने घर में रह रहे हैं, बाहर ज्यादा नहीं जा रहे हैं, बाहर से कोई सामान अगर आ रहा है जैसे मान लीजिए दूध की पैकेट आया, तो आप लोग क्या करें उसको अच्छे से धुल लीजिए, ठीक है। जो हैंड सैनिटाइजर वगैरह है वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए उसको साइड में रखे ना। तो ये सारी चीजें, तो होटल से स्टेडियम या स्टेडियम से होटल, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा कि कहीं आप लोगों को बाहर नहीं जाना है, किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा प्लेयर को एक्सेस करने के लिए। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है जो आउटसाइड वर्ल्ड में है वो प्लेयर के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये सारी चीजें फॉलो की गई यूएस ओपन के अंदर, ठीक है। तो ट्रेवल पर कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल जाएगा, और वाइस वर्सा हो सकता है। इसके अलावा कहीं पर भी ये प्लेयर नहीं जाएगा अगर बायो बबल का पार्ट बन चुका है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर अलग अलग जोन क्रिएट कर दिए गए। एक प्लेयर का जोन है, एक मैच के जो ऑफिशियल है उसका, स्टाफ है, होटल स्टाफ है, सिक्योरिटी पर्सनल है और मेडिसिन टीम है। कोई भी किसी के साथ में भी कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, खासकर प्लेयर से तो ह्यूज डिस्टेंस बनाकर रखी जाएगी ताकि प्लेयर को सेफ रखा जा सके। तो ये अलर्ट जोन जिसके लिए कर दिए गए कि तुम इस एरिया से बाहर नहीं जाओगे, ये लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, तो उस एरिया में वो इंसान रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो बायो बबल जो है वो आइसोलेट कर रहा है था, खासकर जो लोग हैं उनको नेगेटिव है, अगर नेगेटिव रखा जा सके। पहली बार ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि लोग नेगेटिव रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पॉजिटिव शब्द को भी बेकार कर दिया कोरोना वायरस ने। ये माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बायो बबल से बाहर चला गया है तो फिर उसको सिक्योर करने के लिए क्या किया जाएगा, तो समझेगा आप लोग। बायो बबल को सिक्योर करने के लिए ये किया जा रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, तो उसको मैंने बताया ना फैमिली से मिलेगा, ना फ्रेंड से मिलेगा, ना विजिटर से मिलेगा, और ना ही किसी और के साथ में उसको मिलने दिया जाएगा, ना ही वो बाहर जाएगा यहां से निकलकर। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है तो यहां पर कैसे कैसे सिचुएशन की जा रही है, तो बायो बबल में क्या हो रहा है बेसिकली, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को बायो बबल के अंदर आना है तो पहले तो वो कोविड-19 का टेस्ट करा कर आएगा, अगर वो होम कंट्री से निकल कर आ रहे हैं, जैसे भी आईपीएल में अगर लोग आ रहे हैं, ठीक है, वहां से लेकर आएगा, फिर यहां पर उसको अंडर एंट्री करने से पहले भी एक बार फिर से उसका टेस्ट होना पड़ेगा, तब उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि हां ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बायो बबल के अंदर एंट्री कर सकता है। यानी कि दो टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि बायो बबल में एंट्री करने के लिए यहां पर अलाउ इनके द्वारा किए गए हैं, ठीक है। बोला गया ट्वाइस बिफोर एंटरिंग द जो बबल अगेन, अगर कोई बाहर भी चला जाता है तो फिर से उसको दो टेस्ट यहां पर कराने पड़ेंगे। आईपीएल जो अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, उससे पहले अगर आप लोग बात करें तो यहां पर हर बार जो है आईपीएल वो प्रॉपर में यहां पर चलता रहा, ठीक है। उनको अभी यहां पर रिसेंटली अभी देखने को मिले नई नई चीजें, कई सारी ईजाद की गई ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। हर एक प्लेयर को ब्लूटूथ पहनना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, क्या होगा इससे, ब्लूटूथ पहनने से ये होगा कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ रहा है किसी भी तरीके से, तो तुरंत ये सायरन बज जाएगा ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सिचुएशन यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इंसान जो है वो बायो बबल में ही रहे और वहां पर सुरक्षित रहे, और ये अंदर अगर बायो बबल के अंदर कोरोना वायरस घुस गया तो फिर ये बहुत लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालेगा और वो जो मैच वगैरह है वो कैंसिल करने पड़ जाएंगे। जैसे अभी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के जो मैच थे वो कैंसिल करने पड़ गए, तो ऐसा माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट इंटरनेशनल जो क्रिकेट टूर्नामेंट बबल में हुई वो कहां पर हुई,
इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जुलाई 2020 में जो वेस्टर्न जो बात करें यहां पर वेस्ट इंडीज की जो यहां पर टूर देखने को मिला इंग्लैंड का, तो ये फर्स्ट था यहां पर ये इंटरनेशनल क्रिकेट जहां पर बायो बबल में मैच खेला गया। ड्यूरिंग द मैच नो वन टेस्ट पॉजिटिव, कोविड-19 से कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया, ये अच्छी बात देखने को मिली। अगर सिचुएशन क्या थी, अगर कोई बाहर जा रहा है, कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो 5 दिन तक उसको आइसोलेशन में रखा जा रहा था और 2 बार उसके टेस्ट कर रहे थे तब जाकर एंट्री कर रहे थे। पर लेकिन हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है लोग ज्यादा डिसिप्लिन रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सिचुएशन जो है काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहां पर ये पूरी टूर्नामेंट चली गई और बहुत कम लोग जो है कम क्या बेसिकली यहां पर देखने को मिला कि फर्स्ट केस वहां पर निकल कर आया, वहां पर कोई केस देखने को नहीं मिला, यहां पर तो कोई भी केस देखने को मिला। फिर आगे चलकर यहां पर जब ये बायो बबल का एक केस निकल कर आया यहां पर, जिनका नाम था जोफ्रा आर्चर जो इंग्लैंड के बॉलर थे, तो सेकंड टेस्ट में यहां पर ये देखने को मिला, यहां पर जब ड्रॉप किया गया इनको यहां से, इनको तुरंत घर की तरफ को चलता कर दिया गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। अभी हमारी कंट्री में जो ये लीग थी ये स्टार्ट की इंडियन प्रीमियर लीग, तो इसका ये 14वां संस्करण था, यानी कि 14th आईपीएल ये एडिशन था। अब तक कोई भी आईपीएल का जो एडिशन है वो ऐसा नहीं हुआ कि वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, जब हमारी कंट्री में इलेक्शन भी चल रहे थे तब भी आईपीएल के एडिशन जो है वो कंप्लीट किए गए। इवन 2014 में अगर आप लोग बात करें, ठीक है, उस टाइम पर भी, 2019 में इलेक्शन हुए उस टाइम पर भी, तो जब जब इलेक्शन हुए हमारी कंट्री में आईपीएल जो है उनको किसी दूसरी कंट्री में या फिर कोई और अल्टरनेटिव ढूंढा गया है। तो अभी नोवा संस्करण था यहां पर ये, इसके बारे में अगर बात करें तो दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता, ये 6 डिफरेंट वेन्यू रखे गए थे जहां पर आईपीएल के मैच होने वाले हैं। और बायो बबल इनसाइड द जो ग्राउंड है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई, पर लेकिन वो बायो बबल यहां पर काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। तो ये काफी खतरनाक कंडीशन यहां पर बन गई बायो बबल के चलते चलते भी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं अभी कुछ बातें जो कि आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या क्या बातें हैं, अगर आज की डेट में जो आप लोग कोरोना वायरस देख रहे हैं इसी तरीके का एक माहौल देखने को मिला था 1918 में लगभग 500 मिलियन के करीब यहां पर जो है वो इसी तरीके की बीमारी की चपेट में आ गए थे, जो कि H1N1 फ्लू की वजह से, जो कि एक एवियन फ्लू भी बोला गया, ये फैला। इसका जो नाम रखा गया वो आप लोगों को बताइए, आप लोगों ने इसका नाम कई बार सुना भी होगा, ठीक है, स्पेनिश फ्लू इसका नाम दिया गया। ये आज की डेट में भी कई बार ये रिपीट हो चुके हैं, पहले 1918 से 19 में देखने को मिला फ्लू पेंडेमिक, ये भी H1N1 की वजह से, उसके बाद में 1977 में ये रशिया में पेंडेमिक का रीजन बना, और अभी रिसेंटली 2009 में जो स्वाइन फ्लू का नाम आप लोगों ने सुना वो भी H1N1 से रिलेटेड ही था। तो ये जो स्ट्रेन है ये लंबे समय से हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिल रही है, और हमारे देश में भी कई सारे केस निकल कर आए। तो अगर आप लोगों को याद होगा जो हमारी नैनो मैगजीन यानी कि पीआईबी वाली वीडियो आई है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि रिसेंटली अभी एक पर्टिकुलर दवाई बनाने वाली कंपनी के लीडर ने ये बोला है कि जैसे H1N1 यहां पर ये रुका हुआ है, अब तक कभी केस इसके निकल कर आते हैं, ऐसे ही कोरोना वायरस जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, यानी कि वो ता उम्र इस धरती पर रहने वाला है। अब देखने वाली बात यहां पर ये होगी कि कैसे हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं, कितना हम लोग यहां पर उसको बेसिकली मिनिमम कर पाते हैं। उस टाइम पर भी यहां पर नंबर ऑफ डेथ देखने को मिली थी जिनको किसी ने टच नहीं किया, जैसा माहौल आज की डेट में देखने को मिल रहा है, उस टाइम पर भी लोग जो है वो मास्क यूज कर रहे थे जैसा आज के डेट में यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पहली बार यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है, पहले भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो वही सिचुएशन है कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये कंडीशन निकल कर सामने आ रही है। तो जो स्पेनिश फ्लू है 1918 का, उस टाइम पर भी कई सारे लोग जो है उनको फोर्स कर दिया गया था ऐसा माहौल देखने के लिए जैसा आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर क्या हुआ, जब जब ये कंडीशन ऐसी बनती है तब तब आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आईपीएल में अगर कोई सिचुएशन बनती है तो अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। 13 जो आईपीएल था यहां पर ये वो यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ। ठीक है, इसी के साथ में अब एक और बुरी कंडीशन यहां पर जो देखने को मिल रही है वो ये है, कई सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो हैं वो अभी यहां पर आईपीएल का पार्ट थे, पर लेकिन जैसे हमारी कंट्री में तो आप लोगों को पता है अगर कोई हमारी कंट्री के लोग कहीं बाहर फंस जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छे यहां पर ऑपरेशन चलाती है और उनको निकाल कर लेकर आती है, और इतना भी काम किया हम लोगों ने कई बार तो दूसरे देश के लोगों को भी निकाल कर लेकर आए हैं। पर लेकिन आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट जो मॉरिसन, उनके द्वारा यहां पर परमिशन ही नहीं दिया जा रही है चार्टर्ड फ्लाइट के लिए भी कि आईपीएल के जो यहां पर प्लेयर थे, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हमारी कंट्री के अंदर खेल रहे थे, उनको वापस लाया जा सके। उनके द्वारा आप लोगों को पता है अभी ये भी बोला गया था कोई आएगा तो फाइन लगाया जाएगा और उनको जेल भी हो सकती है सर 3 या 5 साल की, तो वो भी कंडीशन देखने को मिली थी। तो ये भी सिचुएशन है, लोगों को जहां मर रहे हैं उनको मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। हमारी कंट्री के आप लोगों ने देखा कितने अच्छे तरीके से वंदे भारत जो मिशन चलाया गया अपने देश में लोगों को लाने के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं।
अपनी कंट्री के बारे में। 14th जो एडिशन है यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, ये एमए चिदंबरम जो स्टेडियम था उसके चलते, फिर यहाँ पर जो चैंपियन है जो मुंबई और रॉयल चैलेंजर के बीच में मैच देखने को मिला, ठीक है। तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंडीशन ऐसी है, पहले डिले तो हुआ है यहाँ पर, लास्ट ईयर ये मैच डिले हुए थे, पर 14th एडिशन से लेकर आज तक का कोई भी कैंसिल नहीं हुआ था। अभी भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको कंप्लीट कराया जाएगा, पर लेकिन कितना पॉसिबल हो पाएगा वो देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर बायो बबल जो बनाया गया था ये कंटिन्यू रहता तो ये माहौल देश के अंदर देखने को नहीं मिलता, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए। बोला जा रहा है रेदर देन एक्सक्लूसिव, आप लोग अगर आज के टाइम मेडिकल मेजरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि हाँ आप लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दीजिए, आप लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा दीजिए, पर लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी आप लोग इंडिविजुअल पर्सन की इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति जब इंप्रूव कर पाएंगे ये काफी अच्छे से चीजों को टैकल करने में हेल्प करेगी, तो इसको आप लोगों को डिस्कस करना है कोविड-19 के चलते। देखिए कोविड-19 के चलते कई सारे क्वेश्चन अभी भी यूपीएससी के अंदर पूछे गए और आगे भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली, जैसा माहौल अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर कुछ भी लिखने के लिए आता है तो इसके लिए आप लोगों के पास में पॉइंट तैयार होने चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है यहाँ पर, ये टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में कितनी टीम है, तो 8 टीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स हैं, इसी के साथ में कोलकाता नाइट राइडर्स जो है, मुंबई इंडियंस जो है, सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग। इसमें अगर बात करें मुंबई इंडियंस 5 टाइटल जीत चुके हैं, सबसे ज्यादा टाइटल रन सबसे ज्यादा विराट कोहली के द्वारा बनाए गए हैं, लगभग 5878 के करीब। सबसे ज्यादा जो विकेट ले गए लसित मलिंगा के द्वारा ले गए लगभग 170 के करीब। तो ये आईपीएल का एक पूरा मैंने ओवरव्यू आप लोगों को बता दिया। बाकी कोविड-19 से बचने के लिए कुछ गाइडलाइन भी, जैसे कि कुछ भी चीजें अगर आ रही हैं कोशिश करनी है, अगर हाथ भी धोना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना, मान लीजिए आप लोगों ने हाथ पे सैनिटाइजर लगाया तो एक अलग चीज है, पर लेकिन साबुन से अगर हाथ धोना है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को सोप से, साबुन से या फिर कोई ऐसी चीज से, तो लगभग 20 सेकंड तक आप लोगों को हाथ को रब करना है। और जो हाथ है ना, बेसिकली उसको हाथ, जैसे मान लीजिए एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूं, रुक जाइए, जैसे हो गया अंगूठा, ठीक है, ये हो गई उंगलियां, ओके, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे कि हाथ हथेली से आगे अगली साइड से आप लोग धुल लेंगे, तो पिछली साइड से भी आप लोग हाथ और उंगली के बीच में भी आप लोगों को हाथ को अच्छे से धुलना है, ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊं, जब 10th में ड्राइंग का पेपर था तो उसमें मेरे सारे पेपर में सबसे अच्छे नंबर आए थे, पर लेकिन रीजन पता है क्या था, मैंने वहां पर जो फोकस किया था वो नहीं था कि वो एंगल वगैरह बनाने वो वाली सारी चीजें, वो मतलब उन चीजों पर फोकस किया था, जो चित्रकारी होती है वो मैंने ज्यादा नहीं बनाई थी, वो वाली चीजें ज्यादा बनाई थी जो कि नॉर्मली जो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। तो वो वाला काफी अच्छे से मैंने चीजें की थी, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव में ऑप्शन आते हैं, हालांकि बनाना तो कुछ इसमें पड़ता है वो जो ड्राइंग वगैरह, पर लेकिन ये वाला मैंने पूरा अडेप्ट किया था, जिसकी वजह से वहां पे मार्क्स भी बिल्कुल मैथमेटिक्स वाले मिले थे, तो काफी अच्छे नंबर आ गए थे उसमें, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा अच्छा नहीं बन पाता है। चलिए फिर भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हाथ अच्छे से धुलने हैं आगे से और पीछे से, ठीक है। कोई भी अगर खांस रहा है छींक रहा है उससे दूर रहना है, और खुद भी अगर खांस रहे हो छींक रहे हो तो अपने मुंह पर आप लोग कोई भी हैंड जो बेसिकली रुमाल वगैरह हाथ रखकर आप लोगों को ये चीजें देखनी है, और तुरंत आप लोग अपने हैंड वॉश करने हैं। कोई भी अगर ऐसा पर्सन है, अगर लग रहा है कि छींक रहा है खांस रहा है, उससे डिस्टेंस बनाकर रखिए, और उसी के साथ में खुद भी घर पर रहिए, और कोई ऐसा पर्सन है उसको भी घर पर ही रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीजें आसपास में जहां पर भी आप लोग जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप लोग आज के डेट में हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर खाना खाने के लिए आप लोग हॉस्टल में निकलकर वहां पर अगर किचन वाले एरिया में जाते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि वहां पर भी ज्यादा चीजों को टच मत कीजिए, ठीक है। मतलब अपने आप को सेफ रखना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टफ है थोड़ा सा कि हर जगह कैसे चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। बाहर से अगर आ रहे हैं तो आंख नाक कान को टच किए बिना पहले हाथ को वॉश कीजिए, ठीक है। मास्क लगाकर जरूर जाइए, और खासकर डबल लेयर मास्क आप लोग रखिए। कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो तुरंत उसको चेक कराइए, और कोशिश ये कीजिए कि एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए यार, अच्छी डाइट लेते रहिए, बहुत सारी चीजें आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपने इम्यून सिस्टम को आप लोग ढंग से इंप्रूव करके रखते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो ढंग से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए तो काफी फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा, ओके। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें महाराष्ट्र कम्युनिटी के बारे में, जो कि रिजर्वेशन है वो यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए यहां पर बन जाते हैं, जुडिशरी से भी रिलेटेड है यहां पर, ये आप लोगों का रिजर्वेशन से रिलेटेड है, सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि ओनली सेंटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहां पर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है। तो यहां पर ये बातें अभी बोली गई यहां पर जो एस रविंदर भट्ट जो अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टेट क्या है यहां पर ओनली सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको रख लो और इनको निकाल दो। तो ये जो पूरा केस अभी निकल कर आया, इसमें बोला गया कि 50% की जो सीलिंग थी वो यहां पर इनके द्वारा क्रॉस कर दी गई है, जिसकी वजह से सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। पहले यहां पर समझते हैं क्या क्या बातें, फिर आप लोगों को मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा।
या फिर आप लोग पहले एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोग देखें। सबसे पहले तो यहां पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये जो क्रिएट की जाती है ये किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, तो पूरी पावर जो होती है यहां पर हमारी कंट्री में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में होती है, और आर्टिकल 145 का जो यहां पर क्लोज 3 है वो यहां पर पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को यहां पर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में एटलीस्ट मिनिमम 5 जज तो होने चाहिए। 5 जज अगर होंगे तो यहां पर डिसीजन दिया जाएगा। पता चला 3 एक साइड में हो गए, 2 एक साइड में, तो एक डिसीजन दिया जा सकता है। अगर 4 जज हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई बेंच बनाई जाती है उसमें ओड नंबर रखे जाते हैं ताकि जो डिसीजन है वो क्लियर मेजोरिटी के साथ में आ सके। ठीक है, आर्टिकल 143 यहां पर संविधान के बारे में अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि बताओ यार ये पब्लिक इंपोर्टेंस का मैटर है, क्या सही है और क्या गलत है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर सामने आ रहा है उसको इंटरप्रिटेशन के लिए, उसको समझाने के लिए ये बेंच यहां पर बनाई जाती है, और पूरी पावर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। ठीक है, तो 143 आप लोगों ने सुना होगा, कई बार इसको आई लव यू लिख देते हैं। ठीक है, तो समझिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच में प्यार है जो यहां पर एक दूसरे को सजेशन देते हैं। तो आर्टिकल 143 है, कोई भी तिकड़मबाजी लगाओ यार याद रहना है और एग्जाम में आप लोगों को उसके बारे में लिखना है, तो ये बेसिक मुद्दा होना चाहिए माइंड में। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये आर्टिकल के अंदर ढूंढने मत बैठ जाना, ये सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो विलियम हंटर और ज्योतिराव जो फुले हैं 1882 में ओरिजिनली एक आइडिया निकल कर आया कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन नॉर्मली यहां से अगर मॉडर्न इंडिया में बात करें ये बोला जा रहा है कि यहां से कहीं ना कहीं निकल कर आना स्टार्ट हो गया। आगे चलकर 1933 में यहां पर ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया कॉमनल अवार्ड, और ये जो कॉमनल अवार्ड प्रेजेंट किया गया इसके बारे में ह्यूज क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कहां से निकल कर आया था कॉमनल अवार्ड किसके बेस पर। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1919, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, नाम आप लोगों को याद है वो नाम बताइए। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन और इंडियन को जो है सेपरेट इलेक्टोर देने की बात की गई, इसमें मुस्लिम सिख इंडियन क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन यूरोपियन और दलित को यहां पर प्रोविजन बनाया गया। आगे चलकर यहां पर काफी सारा विरोध भी हुआ इन सब चीजों को लेकर, और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट भी हुआ जिसको पूना पैक्ट बोला गया। गांधी जी यहां पर एक तरीके से वो नहीं कहते बैठ गए थे बिल्कुल फास्ट पर कि जब तक ये चीजें नहीं रोकोगे छोड़ोगे तब तक नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता था कि ऑलरेडी मुस्लिम और हिंदू को डिवाइड कर चुके हैं, अब हिंदू को भी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है हिंदू के अंदर कि उनको अलग अलग से कि डिप्रेस सेक्शन होगा ये हो गया ताकि उनके अंदर डिविजन किया जा सके। आप लोगों को याद होगा कि अंग्रेजों की नीति यही थी फूट डालो शासन करो, और पूरे देश को अपनी चपेट में लेकर चले गए एक अकेली नीति को फॉलो करते हुए। तो ये होता है एक स्ट्रेटजी और कॉन्सेप्ट में अगर आप लोग ढंग से समझ जाते हो तो उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आफ्टर इंडिपेंडेंट की अगर आप लोग बात करें यहां पर आजादी के बाद में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यहां पर रिजर्वेशन ये दिया गया संविधान के अंदर में, पर लेकिन फिर आगे बढ़े ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया ये 1991 में यहां पर मंडल कमीशन के द्वारा यहां पर ये मिशन ये यहां पर रिजर्वेशन दिया गया। अब मंडल कमीशन भी कई बार न्यूज में देखने को मिलता है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो आर्टिकल 340 ठीक है, आर्टिकल 340 है यहां पर संविधान का, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया मंडल कमीशन, ये यहां पर जो कि बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में बनाया गया, उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई। ठीक है, तो कमीशन जो है वो यहां पर बनाया गया ताकि जान सके कि किस किस एरिया में हम लोग को रिजर्वेशन देना है। तो इसके द्वारा बोला गया सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना है। यहां पर इकोनॉमी सेक्शन नहीं रखा गया था, यानी कि सोसाइटी में जो बैकवर्ड है या फिर एजुकेशन ढंग से नहीं मिले हैं वहां पर आप लोगों को यानी कि जॉब में और एजुकेशन में रिजर्वेशन देना है। इकोनॉमी ध्यान में नहीं रखनी है कि इकोनॉमी जो यहां पर अगर इकोनॉमी को ध्यान में रखेंगे तो हर टाइम कोई ना कोई अमीर रहेगा। मान लीजिए आज कोई ए पर्सन है उसके पास में मान लीजिए 40 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, बी पर्सन है उसके पास में 40 लाख रुपए हैं, सी पर्सन है उसके पास में 40,000 रुपए हैं, तो सब में डिफरेंस है। ठीक है, और ये डिफरेंस ऐसे ही देखने को मिलेगा। जिसके पास में 40 करोड़ है वो आगे चलकर यहां पर हो सकता है कि 100 करोड़ हो जाए, जिसके पास में 40,000 है यहां पर आगे 40 लाख आगे चलता है कि यहां पर इसके पास में 40 करोड़ हो जाए, और जिसके पास में 40,000 है आगे 40 लाख हो जाए, पर लेकिन इसके भी नीचे कोई ना कोई रहेगा। तो ये इकोनॉमी का जो डिफरेंस है वो हमेशा बना रहेगा, तो अगर इकोनॉमी को बैकग्राउंड रखा जाए तो रिजर्वेशन को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला गया कि इकोनॉमी के बैकग्राउंड नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि तब हमेशा रिजर्वेशन रहेगा, जबकि रिजर्वेशन बोला गया था कि कुछ टाइम के लिए रखते हैं ताकि सोसाइटी को कम्युनिटी को इंप्रूव किया जा सके, पर लेकिन ये यहीं पर ही रमकर रह गया। ओके, मंडल जो कमीशन है उसके बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो 52% जो 52% बोला गया कि ओबीसी की जो कम्युनिटी है और उनके लिए 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई यहां पर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस यहां पर बेसिकली लगभग 3,743 के करीब कास्ट देखने को मिली, और अंडर प्रिविलेज जो डिप्रेस्ड जो बैकवर्ड क्लासेस थी वो 2,108 के करीब देखने को मिली जिनको रिजर्वेशन देने की बात की गई मंडल कमीशन के तहत। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं किस आर्टिकल के तहत यहां पर प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है,
है कि उसके द्वारा यहां पर एक कमीशन बनाया गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ये चीजें हैं कि रिजर्वेशन के बारे में कहां कहां बात की जाती है संविधान के अंदर में। सबसे पहला तो पार्ट 16 के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है। आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4 ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर पावर देते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाए। संविधान में संशोधन किया गया 77 1995 में, एक न्यू क्लोज ऐड की गई ये 4A। तो 16 आर्टिकल के तहत यहां पर बोला गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में भी दिया जाए। इसके बाद में आज में कई सारे चेंज भी किया गया, हालांकि इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। आर्टिकल 330 और 332 यहां पर ये बोलता है कि रिजर्वेशन देना है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, तो इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो आर्टिकल यहां पर 243D और 233T, तो ये जो दो आर्टिकल है यहां पर, ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में जो एससी और एसटी को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। आर्टिकल 335 जो है यहां पर एससी और एसटी को रिजर्वेशन देने की जो बात की जाती है, यहां पर बेसिकली एक तरीके से कंसीडर किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनकी एफिकेसी को देखना है। ठीक है, यानी कि उनको बेसिकली इंक्लूड करके चलना है, एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे रिजर्वेशन की बातें कई जगह हमारे संविधान के अंदर की गई है, तो जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अभी आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको अभी नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, और बोला गया कि जो 50% का रिजर्वेशन की जो लिमिट थी ये उसको आगे बढ़ाकर चला गया। तो ये बात बोली गई, तो बोला गया कि जो रिजर्वेशन बोला गया था कि 50% से आप लोग आगे लेकर जा सकते हैं, पर लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए। तो पर लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये दिखाने में असक्सेसफुल रही यहां पर कि वो यहां पर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे। पहले इनके द्वारा 16% का रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इनके एजुकेशन में और जॉब के अंदर में, फिर इनको लगा यार कुछ ज्यादा दे दिया, इनके द्वारा घटा दिया गया, 12% कर दिया गया जो एडमिशन एजुकेशन के अंदर में और 13% कर दिया गया जॉब के अंदर में 2019 में इसके अंदर अमेंडमेंट करके। तो स्टेट जो है अगर इसको भी ऐड कर रहे हैं तो फिर भी 50% का जो क्राइटेरिया है उसको आगे निकालकर चला गया, जो कि इंदिरा सानी केस के जजमेंट में बोला गया था कि 50% का क्राइटेरिया आप लोगों को ये इससे आगे नहीं जाना है। तो 1992 में ये केस आया था, तो पर लेकिन 5 जज की बेंच के द्वारा भी यहां पर बोला गया कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जो हैं, कि बोला गया कि 50% से ज्यादा भी रिजर्वेशन दे सकते हो, तो एक्सेप्शनल यानी कि कुछ ऐसे होने चाहिए सिचुएशन की यहां पर लगे कि हाँ इनको रिजर्वेशन देना है और 50% से लिमिट आगे लेकर जानी है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा तो बोल दिया गया था कि सही है रिजर्वेशन, इसको आप लोग अपहेल्ड कर सकते हो, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सही नहीं है, आप लोग इसको अपहेल्ड नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो रद्द कर दिया और बोला, यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला था, उसके द्वारा बोला था कि अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो यहां पर काफी डीप सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखने को मिलेगी मराठा कम्युनिटी के अंदर, यानी कि जो ऑलरेडी सही लेवल पर है मराठा कम्युनिटी वो आगे बैकवर्ड हो सकती है, ये तर्क दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बोला कि किसका बेवकूफ बना रहे हो यार, ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा कम्युनिटी है वो काफी इंपावर कम्युनिटी है, पॉलिटिकली काफी एक्टिव कम्युनिटी है, और आप लोग बोल रहे हो कि आगे जल के बैकवर्ड हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेट जो रिजर्वेशन यहां पर जो क्लेम किया गया उसको मना कर दिया। तो अभी यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली, ये जो रिजर्वेशन चलता हुआ रहा था ये हटा दिया गया, क्योंकि इंदिरा सानी का केस था 1992 का, उसमें 50% की लिमिट बोली गई थी कि रिजर्वेशन इससे ऊपर लेकर आप लोग नहीं जाओगे। और अभी पॉलिटिकल कंसर्न यहां पर ये भी हो सकता है कि इसको रिव्यू करने की जो बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहां पर कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है इसका फायदा उठाते हैं कि यहां पर इसका रिजर्वेशन क्रॉस करके ले जाते हैं, तो वो भी अभी देखना पड़ेगा। कोर्ट के द्वारा भी इंटरप्रिटेशन किया गया, जो संविधान में संशोधन किया गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसमें नेशनल जो कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस देखने को मिला, तो इसके अंदर भी यहां पर चीजों को रोल पावर क्या है वो किस तरीके से इंपैक्ट डालती है स्टेट के अंदर, तो वो भी कई सारी चीजें सामने निकल कर आई। तो देखिए यहां पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो है उसके ऊपर फोकस देने स्टेट गवर्नमेंट जो है यहां पर क्या कर सकती है, वो यहां पर इंक्लूड करने एक्सक्लूड करने ओनली इसके लिए सजेशन या रिकमेंडेशन दे सकती है, फाइनल पावर ओनली एंड ओनली, तो जो शब्द ओनली लिखा रहता है कई बार यूपीएससी के द्वारा, तो वो ओनली यहां पर लिखा रहे, तो याद रखना ओनली पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, ओनली यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सजेशन दे सकती है कि इनको एक्सक्लूड कर दो, इनको इंक्लूड कर दो, पर लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनकी बात ही वे माने या ना माने, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कई सारे एमपी जो कह रहे हैं इससे तो एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की पावर छीन ली आप लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दी गई यहां पर काफी लार्ज स्केल पर। तो यहां पर जो 5 जज की बेंच थी जो कि हेड की गई अशोक भूषण साहब के द्वारा, तो उसमें बोला गया कि मराठा कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बेस पर दिया जा रहा है, पर लेकिन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस डिफाइन कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी यानी कि प्रेसिडेंट डिफाइन करेंगे। तो अगर यहां पर प्रेसिडेंट डिफाइन कर देते हैं कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो आप लोग फिर रिजर्वेशन के बारे में कुछ आगे सोच सकते हैं। तो ये बात बोलेगी, नॉर्मली
बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ऐसे ही यहां पर भी इंप्लीमेंट होगा। तो इसीलिए यहां पर उद्धव ठाकरे द्वारा बोला गया कि आप लोग अगर आज के में उद्धव ठाकरे द्वारा बोला गया मोदी जी को कि हिम्मत है तो रिजर्वेशन देकर दिखाओ, तो इसलिए यहां पर यह बात बोली सामने निकल कर आई। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को बोला गया कि उसी के हाथ में अथॉरिटी है आइडेंटिफाई करने की कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ताकि जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो आगे न बढ़े जाए, क्योंकि रिजर्वेशन को कम करने की बात की गई थी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, पर लेकिन आज की डेट में ये इतना ज्यादा मुद्दा बड़ा बन चुका है कि इसको बढ़ाते ही बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये कम करने से तो गए, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग जरूर बताएगा कि रिजर्वेशन के लिए यहां पर अभी जो ये रिजर्वेशन दिए जाते हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसको बढ़ाना चाहिए या फिर इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजादी यार कब हुई थी 1947, अगर 1950 से भी आप लोग लगाकर चले तो 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो 75 साल हो जाएंगे 2022 में। अगर देखो 75 साल में जो बोला गया था कि 10 से 12 साल में हम लोग को रिजर्वेशन नहीं देना है, हटाना है और सबको इंपावरमेंट करना है, वो हटा के रिजर्वेशन लाइफ का ही पार्ट बना दिया। इसका मतलब ये कि इसको ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है रिजर्वेशन को, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था उनको ढंग से मिल ही नहीं पा रहा है, तो फिर फायदा क्या उस चीज का, तो उस चीज को जब ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं करो तो ये काफी बड़ी बात है यहां पर। ठीक है, तो ये बच्चे ने बोला था कि मैप बेस्ड क्वेश्चन, देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग रहते हैं ऐसी बात नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से देखो बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन में अंदर भी इंक्लूड करके चलता हूं लेक्चर के अंदर, जब मैप दिखाने की बात आती है कोई न्यूज में होता है, तो थ्वेट ग्लेशियर है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन ही आप लोग यहां पर, ये तो अंटार्कटिका वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है यहां पर, ठीक है, डूम्स डे ग्लेशियर के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो डूम्स डे जो ग्लेशियर है इसको क्यों बुलाते हैं, क्योंकि जब अंटार्कटिका वाले रीजन में आप लोग जाएंगे, अंटार्कटिका यहां पर नीचे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वो क्या करता है कि एक ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने एक मेड़ लगा दी ताकि पानी को आगे न लाया जा सके, तो अगर ये कल को हट जाता है तो बहुत सारा पानी आगे आएगा। इसी तरीके से ये ग्लेशियर जो है ये रोकने का काम करता है बहुत सारा जो बर्फ है उसको, अगर उसको हटा दिया जाए तो बहुत सारे टूटे टूटे बर्फ के बाहर निकल कर आ सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर इसको ये नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो ये है आंसर इसका डी, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और कम्युनिटी टैग में जो भी क्वेश्चन पोस्ट करता हूं उनको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो आंख बंद कर आंसर नहीं देना है, आंख खोलकर आंसर देना है। तो कैसा है डिस्कशन, तो कैसा रहा फीडबैक जरूर दीजिएगा, 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे, 2 या 3 सेकंड लगेगी बताइएगा, कितने नंबर इस लेक्चर को आप लोग देंगे, तो ये जरूरी है क्योंकि जितना टाइम लगता है उसका बहुत माइन्यूट यानी कि 0.0001% भी आप लोगों का टाइम नहीं लगेगा इसको रेट करने में। बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, पीछे की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए, तो इसको देख लेना, और जिस किसी ने जो ममता बनर्जी जी वाला जो लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लेना। तो आसपास सफाई रखिए, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।